काली की माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई थी। इसके कारण उसके पिता राम प्रसाद ने सबके कहने पर दूसरी शादी कर ली। काली का नाम उसके काले रंग के कारण पड़ा। काली जब पैदा हुई तो उसका रंग बहुत काला था, इसलिए सब उसे काली बुलाने लगे। काली अपने काले रंग के कारण अपनी सौतेली माँ से भी बहुत ताने सुनती थी। काली माँ काली की बहुत भक्ति और पूजा करती थी, इसलिए सुबह भोर होते ही वो माँ काली के मंदिर जाकर पूजा पाठ करती थी। काली बिटिया आ गई, सर्दी गर्मी बरसात कोई मौसम हो, काली बिटिया तुम कभी भी मंदिर आना नहीं छोड़ती हो। पुजारी बाबा, माँ काली ही तो मेरा सब कुछ है, इनके होने से मुझे ऐसा लगता है जैसे दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ। मुझ में आत्मविश्वास और हिम्मत भरने वाली माँ काली ही तो है, इनकी पूजा करने से मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। हाँ बिटिया, ये तो तूने बहुत सही बात कही, और तेरे जैसे अच्छे संस्कारों वाली भक्त हो तो काली माँ तो अवश्य प्रसन्न होती है बेटा। अब आ रही है महारानी, सुबह से मंदिर गई हुई है। तुझे पता है घर के सारे काम पड़े हुए हैं, कपड़े धोने को हैं, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, रोटी सब्जी भी बनानी है, और तू है कि अपनी काली मैया की पूजा में ही लगी रहती है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी सारा काम कर दूंगी। काली जल्दी जल्दी सारे घर का काम समेटने लगती है, रोजाना का यही नियम था। काली मंदिर से पूजा करके आती और घर के सारे काम करती। कावेरी और उसकी बेटी वर्षा कोई भी काम नहीं करते थे। माँ इस बार मेरा जन्मदिन आप बहुत अच्छे से मनाना, मैंने अपनी सहेलियों को पहले ही कह दिया है, इस बार वो मेरे घर दावत पर आएंगी। अरे तो चिंता किस बात की है, खाना बना लेंगे, काली किस दिन काम आएगी, दो दिन बाकी है ना, सब हो जाएगा। काली वर्षा के जन्मदिन पर खाने की सारी तैयारी करती है। सुबह से लेकर शाम तक वो अकेली ही रसोई में लगी हुई थी, एक बार भी कावेरी और वर्षा ने आकर उसकी मदद नहीं की। कावेरी, काली बिटिया सुबह से रसोई में लगी हुई है, कम से कम थोड़ी तो उसकी मदद कर दो, वो भी तो अकेली थक जाती होगी। दिख नहीं रहा, मैं अपने हाथ पैरों में नाखून पॉलिश लगा कर बैठी हूँ, कर लेगी अपने आप। माँ मेरी सहेलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, काली को बोलो खाना लगा देगी, और हाँ उसे बोल दो कि वो मेरी सहेलियों के सामने ज्यादा ना आए, वरना उसके काले रंग को देख कर मेरी सहेलियाँ डर जाएंगी, मेरा सारा जन्मदिन का मजा किरकिरा कर देगी। हाँ हाँ बोल दूंगी। वर्षा की सहेलियाँ आ जाती हैं, वर्षा अपनी सहेलियों के साथ बातें करने लगती है, तभी लाइट चली जाती है। अरे यार वर्षा, तेरे घर तो लाइट ही चली गई। रुको मैं अभी मोमबत्ती मंगवाती हूँ। तभी काली मोमबत्ती जलाकर लेकर आती है, उसे देखकर सारी सहेलियाँ चीख पड़ती हैं। भूत भूत, अरे बचाओ, चलो चलो भागो यहाँ से, यहाँ तो भूत है, वर्षा तुम्हारे घर में भूत है, तुमने पहले नहीं बताया। अरे रुको, तुम लोग कहाँ जा रही हो, वो कोई भूत नहीं है, मेरी बहन है काली। अरे रुको तो। वर्षा की सहेलियाँ उसकी एक नहीं सुनती और डर कर वहाँ से भाग जाती हैं। वर्षा और कावेरी गुस्से में आ जाती हैं। राम प्रसाद उस समय घर पर नहीं था, इसलिए वो दोनों काली को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। माँ मैंने कहा था इस काली की बच्ची को मेरी सहेलियों के सामने मत आने देना, फिर ये मेरे कमरे में क्यों आई, मोमबत्ती लेकर बिल्कुल भूतनी जैसी डरावनी लग रही थी, इसे कह दो यहाँ से चली जाए और आज के बाद मेरे सामने कभी ना आए। निकल जा यहाँ से, अभी के अभी इस घर से निकल जा, मेरी बेटी के जन्मदिन को तूने खराब कर दिया, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, तेरे बापू आए इससे पहले तू इस घर से चली जानी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर माँ इस समय मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे ऐसे मत भेजो माँ। नहीं मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, बड़ी काली माँ की भक्त बनी फिरती है ना, जा जाकर उन्हीं के साथ रह। काली रोती हुई घर से निकल जाती है और काली माँ के मंदिर पहुँचती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? पुजारी जी इसमें मेरा क्या दोष कि मेरा रंग काला है, आज इस काले रंग की वजह से सब मुझसे नफरत करते हैं, मैं माँ काली की इतना पूजा करती हूँ, वो मेरी सहायता क्यों नहीं करती है, मुझे इतने दुख क्यों मिल रहे हैं पुजारी बाबा। बिटिया भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, और माँ काली तो ममता की देवी है, वो अपने भक्तों पर कभी भी कोई दुख और विपदा नहीं आने देती, उन पर विश्वास रखो, वो सब ठीक करेंगी बेटा। तभी राम प्रसाद भी मंदिर पहुंच जाता है। काली बिटिया चल घर चल, तू तो अपनी माँ का स्वभाव जानती है, उसने गुस्से में तुझे कुछ कह दिया होगा, चल मैं तुझे लेने आया हूँ, जाओ बिटिया जाओ, अपने पिताजी के साथ जाओ जाओ। काली माँ काली को प्रणाम करके अपने बापू के साथ घर आ जाती है, पर कावेरी और वर्षा उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। कावेरी चाहती थी कि हमेशा के लिए काली इस घर और गाँव से चली जाए,
इसलिए वो उपाय सोचने लगी और उसे उपाय मिल गया। माँ काली के मंदिर में माँ काली को सोने का मुकुट और गहने चढ़ाए गए थे। सब जानते थे कि काली हर सुबह पुजारी जी के उठने से पहले ही मंदिर में दर्शन के लिए चली जाती है, इसलिए कावेरी ने मंदिर में चढ़ाए गए मुकुट और जेवर की चोरी कर ली। सब लोग हैरान थे कि आखिर मंदिर में चोरी किसने की है। पुजारी जी, सुबह सुबह मंदिर में कौन आता है और आज सुबह सबसे पहले मंदिर में कौन आया था? सुबह सुबह तो काली बिटिया ही मंदिर आती है और आज सुबह भी वही आई थी, पर चौधरी साहब, मैं काली बिटिया को जानता हूँ, वो कभी भी मंदिर में चोरी नहीं करेगी, वो तो बहुत ही अच्छी बच्ची है, माँ काली की परम भक्त है। अरे चौधरी साहब, सब लोग ऊपर से सीधे ही दिखाई देते हैं, क्या पता चोर काली ही हो और उसने ही चोरी की हो। हाँ चौधरी साहब, सुबह सुबह जब काली ही मंदिर आती है तो चोर भी वही है। सब लोग काली पर चोरी का इल्जाम लगाने लगे। काली को मंदिर में लाया गया, उसके साथ कावेरी, वर्षा और काली के पिता रामप्रसाद भी मंदिर पहुंचते हैं। कावेरी तो यही चाहती थी, वो मन ही मन अपनी मक्कारी पर हंस रही थी। वो सबके सामने काली को मारने पीटने लगती है। शर्म नहीं आई? एक तो पहले ही मनहूस ने काले रंग के साथ जन्म ले लिया, अब ऊपर से चोर बनकर जिस काली माँ की भक्ति करती है उस माँ के मुकुट और गहने चुरा लिए। नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की, मैं सच कह रही हूँ बापू, मेरा विश्वास करो, मैंने कोई चोरी नहीं की। सुनो जी, इस समय तुम इस चोर का साथ नहीं दोगे, भले ही ये तुम्हारी बेटी है, चौधरी साहब आपने इसके साथ जो करना है वो करो, इसे पुलिस के हवाले करना है तो कर दो, हम इस लड़की को अपने घर में बिल्कुल नहीं रखेंगे। सब लोग काली को चोर चोर कहकर बुलाने लगे। काली फूट फूट कर माँ काली के चरणों में रोने लगती है। पुजारी जी और रामप्रसाद की आंखों में भी आंसू थे। तभी रोते रोते काली के आंसू माँ काली के चरणों में गिरते हैं और काली महाकाली का रूप ले लेती है। काली को महाकाली का रूप बना देख गांव थर थर कांपने लगते हैं। कावेरी और वर्षा भी घबरा जाती हैं। काली चोर नहीं है, काली ने मेरे मंदिर से कोई चोरी नहीं की, असली चोर कावेरी है, कावेरी ने जानबूझकर मेरे मंदिर में चोरी की ताकि काली को इस घर और गांव से निकलवा सके। मैं कावेरी को दंड देने आई हूँ और तुम सब गांव वाले भी इस पाप में भागीदार हो, तुमने भोली भाली मेरी भक्त काली पर अत्याचार किए। तुम लोग काली के काले रंग से नफरत करते हो, फिर मैं भी तो काली हूँ, मेरा रूप रंग भी तो काला है, तुम लोग मुझे माँ काली के रूप में क्यों पूछते हो? अगर तुम्हें काले रंग से नफरत है तो आज के बाद मेरी भी पूजा मत करो। हमें माफ कर दो माँ काली, हमसे भूल हो गई माता। मुझे माफ कर दो माँ काली, मैं ईर्ष्या में आकर ऐसा कर बैठी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सब लोग माँ काली के सामने शीश झुकाकर खड़े थे। क्षमा करो माँ काली, क्षमा करो। आज से मैं काली को कभी भी नफरत की नजर से नहीं देखूंगी, हमेशा उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी मैया। ठीक है, मैं तुम सबको क्षमा कर देती हूँ, काली अपने परिवार के साथ खुश रहना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इतना कहकर काली के शरीर से महाकाली अंतर्ध्यान हो जाती है। काली बेहोश पड़ी थी, उसे होश आता है। काली मेरी बच्ची, अब मैं तुझे बहुत प्यार करूंगी, तुझसे कभी नफरत नहीं करूंगी बिटिया। कावेरी काली को गले से लगा लेती है। सब गांव वाले भी काली को सम्मान भरी नजरों से देखते हैं। उस दिन से काली को उसके काले रंग के लिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ समय पश्चात माँ काली के आशीर्वाद से काली का विवाह एक अच्छे घर में सम्पन्न हो जाता है और वो सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। जंगल के किनारे माँ काली का एक प्राचीन मंदिर था। दिन के समय वहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, पर शाम के समय मंदिर के पंडित जी मंदिर के द्वार पर ताला लगाकर पड़ोस के गांव में बने अपने घर चले जाते थे। एक दिन पंडित जी जब शाम की पूजा करके मंदिर का द्वार बंद करके घर जाने की तैयारी में थे, तभी वहाँ एक आदमी आ पहुँचा। जय माँ काली पंडित जी, बस दो मिनट अगर आप कहें तो मैं माँ काली के दर्शन कर लूँ। कर लो बेटा, पर जल्दी करना, शाम के समय जंगल के आसपास चोर उचक्के घूमते हैं, इसलिए मैं भी इस समय तक गांव लौट जाता हूँ। बस हो गया पंडित जी, माँ काली के दर्शन करके धन्य हो गया, अच्छा मैं चलता हूँ। वास्तव में वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि उसी जंगल के नजदीक बने एक दूसरे गांव में रहने वाला राजू नाम का चोर था।
राजू कई दिनों से माँ काली के मंदिर में चोरी करने के बारे में सोच रहा था। आज पंडित जी के जाने के बाद वो मंदिर का ताला तोड़कर माँ काली के मंदिर में लगा सोने का घंटा चुरा लेता है। हे माँ काली, आप तो जानती हो चोरी करना मेरे लिए कितना जरूरी है। अगर मैंने चोरी नहीं की तो घर पर मेरी पत्नी और दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे। कई दिनों से मेरे घर में चूल्हा भी नहीं जला है, इसलिए मुझे क्षमा करना। मैं आपके मंदिर से यह सोने का घंटा चुरा कर ले जा रहा हूँ। राजू मंदिर में से घंटा चोरी करके मंदिर के बाहर आ जाता है, पर अचानक उसके दिल में एक आवाज उठती है। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। पता नहीं आज मंदिर में चोरी करते हुए मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैंने कई बार बहुत से घरों में अमीर सेठ और पैसे वाले लोगों के घर में चोरी की है, पर कभी मेरा मन नहीं घबराया। आज ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ काली मुझे कुछ कहना चाह रही हो? मैं ये घंटा चोरी नहीं कर सकता। काली माँ मुझे क्षमा करना, मैं आपके मंदिर में चोरी करने आया तो था, पर आपके दर्शन करके मेरा मन बदल गया। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा। पर देवी मैया, मैं बहुत गरीब हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण सिर्फ इस चोरी के रुपयों से ही करता आया हूँ। मेरी सहायता करना माँ, मैं दोबारा अपना रास्ता भटक न जाऊं। जय काली मैया। राजू ने काली माता के मंदिर से वो घंटा नहीं चुराया। वो खाली हाथ ही घर लौटता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आपको लगता है माँ काली हमारी मदद करेंगी? हाँ सुनीता, मैं जानता हूँ माँ काली बहुत शक्तिशाली है। अगर उन्होंने मेरा हृदय परिवर्तन करके मेरी दिशा बदली है तो वो मेरी दशा भी अवश्य बदल देंगी। मुझे उन पर विश्वास है। कहते हैं भगवान पर विश्वास ही भक्तों को हर मुसीबत में लड़ने की हिम्मत देता है। कुछ दिन तक राजू, उसकी पत्नी और बच्चे सब भूखे सोते रहे। गांव के नजदीक एक नगर में सेठ मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे भी माँ काली के परम भक्त थे। एक रात सेठ मनोहर लाल जब गहरी निद्रा में सो रहे थे, तब माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए। माँ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहती हूँ। पास के गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता है। तुम्हें उसके पास जाना है और उसकी मदद करनी है, ताकि वो मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जो आज्ञा माँ। इतना कहते ही माँ काली अंतर ध्यान हो गयी। अगले दिन सेठ मनोहर लाल राजू के घर का पता पूछते हुए उसके घर पहुंचता है। राजू, मुझे घर पर काम के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, क्या तुम मेरे घर पर काम करोगे? मैं आपको जानता नहीं सेठ जी, आपको किसने भेजा है? राजू, मैं जानता हूँ तुम माँ काली के भक्त हो, वैसे ही मैं भी माँ काली का भक्त हूँ। समझ लो, उन्हीं की आज्ञा से मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राजू समझ जाता है कि हो ना हो माँ काली ने उसकी मदद के लिए सेठ मनोहर लाल को उसके पास भेजा है। सेठ मनोहर लाल राजू के हाथ में खर्चे के लिए कुछ रुपए देते हैं। उसके पश्चात अगले दिन राजू सेठ जी के घर काम पर लग जाता है। राजू सेठ और सेठानी की खूब सेवा करता था। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। सेठ जी और सेठानी दोनों इस दुनिया में अकेले थे। एक बार सेठानी बहुत बीमार पड़ गई, तब राजू ने उनकी बहुत सेवा की। राजू बेटा, तुमने बीमारी के दिनों में मेरी बहुत सेवा की है, बिल्कुल मेरे अपने बच्चे की तरह। तुम्हारे आने से सचमुच हमें बहुत आराम मिल गया है। माँ जी, आपने और सेठ जी ने भी तो मुझ गरीब पर इतने उपकार किए हैं, उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं। राजू को सेठ जी के घर काम करते हुए एक साल बीत जाता है। सेठानी की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। एक दिन वो सेठ जी से बोली, सुनो जी, मेरा अब कोई भरोसा नहीं है कि मैं इस दुनिया से कब चली जाऊं, पर मैं इतना जानती हूं कि मेरे जाने के बाद राजू आपका पूरा ख्याल रखेगा। मेरी इच्छा है कि हम राजू को अपनी जायदाद का वारिस बना दें। वो तो ठीक है, पर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पर वक्त को कुछ और मंजूर था। सेठानी दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद सेठ जी उदास रहने लगे, इसलिए राजू कभी कभी अपने दोनों बच्चों को सेठ जी के पास खेलने के लिए ले आता था। बच्चे सारा दिन सेठ जी के साथ खेलते थे। पिंकी बिटिया, बंटी बेटा, देखो मैंने तुम दोनों के लिए कितने सारे खिलौने मंगवाए हैं। सेठ जी, ये दोनों बहुत शैतान हो गए हैं। आप इनके लिए रोजाना कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं और ये दोनों आपको परेशान करते हैं।
चलो बच्चों, अब घर चलो। नहीं बापू, हमें दादाजी के साथ और खेलना है। मुझे भी बापू दादा के साथ खेलना है। बच्चों की मीठी मीठी और कोमल बातें सुनकर सेठ जी की आंखें भर आती हैं और वो राजू से कहते हैं, राजू, तुम सबका साथ पाकर मेरा परिवार पूरा हो गया। सेठानी की इच्छा थी कि हमारी जायदाद के वारिस तुम बनो, और आज मैं सेठानी की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। जब तक मेरी जिंदगी के दिन बचे हैं, मैं तुम सबके साथ गुजारना चाहता हूँ। अब से तुम कानूनन मेरे बेटे बनकर इस घर में रहोगे। मैंने वकील साहब को बुलवाकर सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है बेटा। सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपका इतना प्यार पाकर मुझे सब कुछ मिल गया। माँ काली ने आपसे मिलवाकर मेरे जीवन में ढेरों खुशियां दे दी। मुझे कुछ नहीं चाहिए सेठ जी। बेटा, मैं नहीं चाहता कि सेठानी की इच्छा अधूरी रह जाए। क्या तुम सेठानी को अपनी माँ नहीं मानते थे? सेठ जी की बातें सुनकर राजू रो पड़ता है। अब राजू अपने परिवार के साथ सेठ जी का बेटा बनकर उनके घर में ही रहने लगा। जिंदगी के आखिरी वक्त में सेठ जी ने बेटा बहू और पोते पोती का सुख देख लिया और इस दुनिया से चले गए। राजू एक बेटे की तरह सेठ जी का अंतिम संस्कार करता है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से राजू एक चोर से एक अच्छा इंसान बन गया और आज माँ काली की कृपा से उसकी दिशा और दशा दोनों बदल चुकी थी।